गुड मॉर्निंग जय श्री स्वामीनारायण स्टूडेंट्स। बेटा चैप्टर नंबर 6 में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6A के अंदर कुछ सम्स किए थे, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। जो हम लोगों ने अगले वीडियो लेक्चर में सम्स किए थे वो थे प्लस एंड माइनस, किसके बीच में, तो एल्जेब्रिक के बीच में। यानी कि आपके सामने नंबर्स के साथ साथ वेरिएबल यानी कि ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट लिखा होगा एंड उसका प्लस एंड माइनस करो। ओके, तो उसमें ही हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। उसमें क्या लिखा है देखते हैं। व्हाट मस्ट बी माइनस करना है हमें किसके साथ, फ्रॉम 3a2 माइनस 6ab माइनस 3b स्क्वेयर माइनस 1 टू गेट। यानी कि हम लोग कोई भी डिजिट को इसके साथ माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा टू गेट, यानी हमें आंसर मिलेगा 4a² माइनस 7ab माइनस 4b² प्लस 1। तो जो हमें किसके साथ माइनस करना है वो नहीं पता है, तो हम लोग यहाँ पे सपोज करेंगे एक्स की हम माइनस करेंगे एक्स के साथ ऐसा, तो हम लोग यहाँ पे सपोज करेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। यानी कि हम लोगों ने एक नंबर सपोज किया एक्स, तो इसके अंदर मैं डालू तो इसकी इक्वेशन बनती है एक्स फ्रॉम 3a² माइनस 6ab माइनस 3b² माइनस 1 इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे लिखा है टू गेट, 4a² माइनस 7ab माइनस 4b² प्लस 1 इक्वेशन बन गई। अब इसको हम लोग आसानी से सोल्व कर पाएंगे, पहले तो इसके साथ हमें माइनस करना है तो ये हम लोग चेंज कर देंगे, यानी माइनस की साइन यहाँ पे डालेंगे, तो यहाँ पे आएगा 3a² माइनस 6ab माइनस 3b² माइनस 1। हमें माइनस करना है, फ्रॉम लिखा है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे माइनस की साइन करेंगे एंड एक्स, ये पूरी डिजिट एक साथ है, ये डिजिट एक साथ है, इज इक्वल टू 4a² माइनस 7ab माइनस 4b² माइनस 1। ओके, अब हम लोग यहाँ पे आप लोगों को बताए एक्स है, यहाँ पे सेम वेरिएबल नहीं है। मैंने आप लोगों को अगले वीडियो लेक्चर में बताया था लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स के बारे में। लाइक टर्म्स यानी कि सेम वेरिएबल हो तो जो लाइक टर्म्स होते हैं उसके अंदर हम लोग प्लस एंड माइनस कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे सेम वेरिएबल वाला यानी लाइक टर्म्स वाला नहीं है, तो ये दोनों का हम लोग प्लस या माइनस नहीं कर पा रहे, तो एक्स को हम लोग यहाँ पे ऐसे ही रखेंगे। ओके, 3a² माइनस 6ab माइनस 3b² माइनस 1। अब इस पूरे पार्ट को हम लोग इस अब इज इक्वल टू की इस पार लेकर आए, तो यहाँ पे प्लस की साइन है, कुछ साइन नहीं है, यानी यहाँ पे प्लस की साइन है, इस तरफ लेकर आएंगे यानी वो माइनस की साइन हो जाएगी। ओके, एंड इस तरफ हम लोग लेकर आएंगे तो ये सारी साइन है वो चेंज हो जाएगी। देखना, इसको हम लोगों ने लिखा प्लस की साइन थी तो 4a², यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 7ab ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, 4b² ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा 1। ओके, यहाँ पे प्लस ही ऑलरेडी ये रहा प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा 1 इज इक्वल टू एक्स यहाँ पे माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा। ओके, समझ गए, यानी कि ऐसे हमारे सामने दो इक्वेशन आ गए। अब ये दोनों का हम लोग जो अगले वीडियो लेक्चर में कर रहे थे ऐसे ही प्लस एंड माइनस करना है, तो इनको ऐसे लिखना होगा। मैंने वहाँ पे आप लोगों को दो मेथड समझाई थी, याद हो तो, जो आप लोगों को ईजी लगेगी वही मेथड मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, यही आप लोगों को शायद इजी लगेगी। माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ पे माइनस में 2 आएगा, सिर्फ बी आएगा यानी 1b आएगा, प्लस में 1b², 7 में से माइनस 6 करेंगे तो वो भी 1 आएगा, प्लस 1ab, यहाँ पे आप लोग 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, यहाँ पे भी
माइनस, क्योंकि माइनस की साइन रहेगी, ये बड़ी साइन है माइनस की, माइनस वन ए स्क्वेयर। तो हमारा आंसर रहा ये, यानी कि ये डिजिट के साथ हम लोग इस डिजिट को माइनस करेंगे जो हमें आंसर मिला वो, तो ये वाला आंसर मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो हम लोगों ने सपोज किया था ना x, तो रिक्वायर्ड नंबर कौन सा है हमें, ये वाला। तो हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू। ओके बेटा, समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हमें क्या फाइंड करना है, तो फाइंड द पेरीमीटर। हमें यहाँ पे रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। ओके, एंड रेक्टेंगल की यहाँ पे दो साइड है, यानी कि लेंथ एंड ब्रेथ है हमारे पास। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेंगे कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। ओके, तो सबसे पहले आंसर में हम लोग लिखेंगे साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर एल एंड बी, यानी कि रेक्टेंगल की दो साइड होती है लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, तो एल इज इक्वल टू 5x² माइनस 3y² एंड बी इज इक्वल टू 2x² प्लस 2xy। अब हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, तो उनका फॉर्मूला क्या है, तो उनका फॉर्मूला है यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l + b। अब इसकी जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं 2l + 2b, क्योंकि इनका मीनिंग यही होता है, ये दोनों का मल्टीप्लाई, ये दोनों का मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो। ओके, तो ये दो में से कोई भी फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला मैं अभी करवा रही हूँ। 2l की जगह पे लिखेंगे 5x² माइनस 3y² प्लस 2b की जगह पे x² प्लस 2xy। ये दोनों का मल्टीप्लाई, ये दोनों का मल्टीप्लाई। ओके, यानी कि 5 × 2 = 10, तो 10x², 2 × 3 = 6, यहाँ पे माइनस की साइन है यानी माइनस 6y², ये प्लस की साइन है तो प्लस की साइन रहेगी, 2 × यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, यानी कि 2x², 2 × 2 = 4 प्लस 4xy। ओके, अब हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि सेम वेरिएबल वाला है, यानी लाइक टर्म्स है, तो उसका हम लोग प्लस या तो माइनस कर पाएंगे, नहीं तो ये ऐसे ही रह जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखो, तो यहाँ पे x² एंड यहाँ पे भी x² है, ये दोनों को हम लोग एक साथ कर दे, 10 + 2 कर दे तो 12 हो जाएगा, ये दोनों को एक साथ कर देंगे तो, राइट, यानी कि 12x², ये तो ऐसे ही रह जाएगा, 6y², ये भी ऐसे ही रह जाएगा, 4xy, यानी कि हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या मिला, 12x² माइनस 6y² प्लस 4xy। ओके, समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। नंबर 20 के अंदर द पेरीमीटर साइड अ ट्राइंगल इज, यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है 6p² माइनस 4p प्लस q एंड 2 ऑफ इट्स साइड, यानी कि ट्राइंगल की 2 साइड है, इट्स साइड आर, यानी ट्राइंगल की 2 साइड है, नंबर 1 साइड है p² माइनस 2p प्लस 1 एंड सेकंड साइड है 3p² माइनस 5p प्लस 3। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है तीनों साइड का प्लस, यानी ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तो हम लोग यहाँ पे जो सी साइड है, मतलब सभी का हमें प्लस करना है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे
पेरीमीटर का फॉर्मूला. ओके, तो पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीन साइड. ओके, अब ये तीनों साइड में से दो साइड हमारे पास है ए एंड बी, सी साइड हमारे पास नहीं है, हमें सी फाइंड करनी है. उसकी जगह पे हमारे पास पेरीमीटर है. ओके, तो हम लोग यहाँ पे पेरीमीटर की जगह पे यहाँ पे डालेंगे सिक्स पी स्क्वेयर माइनस फोर पी प्लस क्यू इज इक्वल टू ए की जगह पे पी स्क्वेयर माइनस टू पी प्लस वन, बी की जगह पे हमें पहले तो ये प्लस की साइन हम लोग डालेंगे एंड बाद में बी की जगह पे रहेगा थ्री पी स्क्वेयर माइनस फाइव पी प्लस थ्री. ओके, एंड प्लस सी, जो हमें सी पता नहीं है, जो हमें सी फाइंड करना है. ओके, अब हम लोग यहाँ पे, आप लोगों को पता होगा तो ये दोनों का तो हम लोग प्लस कर लेंगे, बाद में इस तरफ इसको लेकर आना पड़ेगा, तो पहले इसका हम लोग प्लस कर लेते हैं. अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों यानी कि लाइक टर्म्स, यहाँ पे लाइक टर्म्स हम लोग देखेंगे कि जो वेरिएबल है वो सेम है, तो वो दोनों का ही प्लस माइनस कर पाएंगे हम लोग. ओके, तो ये दोनों वेरिएबल सेम है, पी है, यहाँ पे भी पी है, पी स्क्वेयर है, ये भी पी स्क्वेयर है, यहाँ पे कुछ नहीं यानी वन होगा, यानी कि फोर पी स्क्वेयर, ये माइनस है, ये भी माइनस है, पी फाइव पी एंड माइनस टू पी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस सेवन पी. कुछ भी वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, कुछ भी वेरिएबल नहीं है, दोनों का हम लोग प्लस कर पाएंगे तो फोर आएगा प्लस सी. ओके, अब ये सारा का सारा हम लोग इस तरफ लेकर आएंगे तो सभी की साइन है वो चेंज हो जाएगी, माइनस फोर पी स्क्वेयर प्लस सेवन पी माइनस फोर इज इक्वल टू सी, सी इस तरफ ही रहेगा क्योंकि हमें सी फाइंड करना है. ओके, अब वापस सेम वेरिएबल को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे पी स्क्वेयर है, यहाँ पे भी पी स्क्वेयर है, सिक्स पी स्क्वेयर एंड यहाँ पे है माइनस फोर पी स्क्वेयर, सिक्स में से फोर निकालेंगे यानी बचेगा टू, टू पी स्क्वेयर. ऐसे ही यहाँ पे है माइनस फोर पी एंड यहाँ पे है प्लस सेवन पी, यानी कि प्लस थ्री पी बचेगा. ऐसे ही यहाँ पे प्लस नाइन है, यहाँ पे माइनस फोर है, तो प्लस नाइन एंड माइनस फोर यानी कि प्लस फाइव बचेगा इज इक्वल टू सी. तो हमें थर्ड साइड क्या मिली, तो टू पी स्क्वेयर प्लस थ्री पी प्लस फाइव. ओके बेटा, समझ गए, ये एक्सरसाइज पूरी होती है. अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज लेते हैं सिक्स बी, उसमें क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग. पहले तो देख लेते हैं सिक्स बी के अंदर है क्या, तो हमें वहां पे एलजेब्रिक के अंदर मल्टीप्लाई करना है. ओके, एक्सरसाइज सिक्स बी में हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन, फाइव एक्स प्लस सेवन मल्टीप्लाई थ्री एक्स प्लस फोर. अब आप लोगों को पता हो तो मैंने अगले वीडियो लेक्चर में बताया था कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में हमें वेरिएबल सेम नहीं चाहिए, मतलब कि अनलाइक टर्म्स में भी हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते. ओके, तो हम लोग यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हो तो हम दोनों का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर पाएंगे. तो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे. ओके बेटा, तो आप लोगों को पता है जो वेरिएबल नहीं है एंड सिंपल यहाँ पे लिखा है तो भी हम लोग क्या करते हैं, ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, राइट, क्योंकि ये दोनों का प्लस तो नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल नहीं है, क्योंकि हमें प्लस एंड माइनस के टाइम पे क्या देखना है, वेरिएबल सेम हो तो ही हो पाएगा, यानी कि लाइक टर्म्स हो तो भी हो पाएगा प्लस एंड माइनस. ओके, तो ये दोनों का हम लोग प्लस नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन है इसलिए हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे. ओके, तो मैं आप लोगों को सिंपल सी यहाँ पे मेथड सिखा रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखना, आप लोगों को समझ में आ जाएगी. ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टर्न बाय टर्न ये नंबर इन यहाँ पे लिखेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे 5x, बाद में ये पूरा का पूरा ब्रैकेट वाला है यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग. ऐसे ही यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग लिख लेंगे प्लस सेवन,
वापस दूसरे टाइम हम लोग ये वापस यहाँ पे लिख लेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है कि ये 5x है, ये पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, यानी ये 7 है, ये भी पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा। ओके, अब हमारे सामने ये आसानी हो गई राइट सोल्व करने में। तो 5 3 जा कितना हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई की यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई है क्योंकि ब्रैकेट है इसलिए, यानी कि 15। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, कोई भी वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई की साइन हो एंड दोनों सेम वेरिएबल हो, जैसे कि यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई एक्स लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको एक्स स्क्वेयर। ओके, एंड जब हमें ये दोनों का प्लस करना हो तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा, यानी 2x। प्लस करना हो तो ऐसे करेंगे एंड मल्टीप्लाई करना हो तो हमें हम उसका स्क्वेयर बनाएंगे, क्योंकि स्क्वेयर का मीनिंग क्या होता है, एक्स का 2 टाइम लिखना है, इनका मीनिंग ऊपर 2 हो तो ऐसा माना जाता है। ओके, तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यानी 2x हुए, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वेयर। ओके, ऐसे ही 5 4 जा होता है 20, प्लस की साइन है, यानी यहाँ पे हम लोग 20 डालेंगे, ये एक्स है तो यहाँ पे हम लोग एक्स भी डाल देंगे। ओके, ऐसे ही ये ब्रैकेट हम लोगों ने पूरा का पूरा ओपन कर दिया। अब इसका टर्न आया, तो 7 3 जा होता है 21 21x, क्योंकि इनका एक्स है। 7 4 जा कितना होता है, तो 7 4 जा होता है 28, तो प्लस 28। अब इसके अंदर हम लोग वापस यही देखेंगे कि सेम वेरिएबल है, नहीं तो यही आंसर रख देंगे। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बीच में है वो सेम वेरिएबल है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो ये दोनों का हम लोग प्लस कर पाएंगे, यानी कि 15x² प्लस 41x प्लस 28। अब यहाँ पे कोई वेरिएबल सेम नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यही हमारा आंसर रहेगा। ओके बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फोर एक्स प्लस 9 मल्टीप्लाई है बीच में ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस 6। वापस हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करने के लिए इस तरह के लिख लेंगे हम लोग। पहले तो लिखेंगे 4x, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 9, x माइनस 6, ये दोनों का हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये दोनों का करेंगे हम लोग ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी 1 होगा, 4 1 जा 4, x 2 टाइम हो गया, यानी एक्स स्क्वेयर, माइनस यहाँ पे माइनस की साइन है इसलिए, 4 6 जा कितना होता है, तो 24 होता है, 24 ये एक्स ऐसे ही रह जाएगा। 9 1 जा 9x, 9 6 जा 54, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, यानी माइनस 54। वापस ये दोनों वेरिएबल सेम है, तो ये दोनों का हम लोग माइनस या तो प्लस कर पाएंगे। 24 माइनस में प्लस 9 है, ये दोनों का हम लोग सोल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा माइनस 15, क्योंकि जो बड़ी होती है उसकी साइन रहती है यहाँ पे माइनस 54। ओके बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 3y-8 मल्टीप्लाई है ब्रैकेट में 5y-1। वापस इनकी तरह ही करेंगे हम लोग, थ्री फाइव जा कितना होता है, तो 15y² माइनस, तो माइनस 3 1 जा 3 3y। ऐसे ही यहाँ पे माइनस में 8 है, 8 5 जा 40, तो माइनस में 40y। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 1 जा 8, यानी प्लस 8। ये दोनों सेम वेरिएबल है तो यहाँ पे हम लोग माइनस कर पाएंगे, तो ये दोनों का सॉरी यहाँ पे दोनों सेम वेरिएबल है
एंड यहाँ पे माइनस माइनस हमें प्लस करना होगा, ओके okay? यानी कि माइनस 43y प्लस 8। ओके बेटा, आप लोगों को समझ में आ गया। तो आपका आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 6B में से क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6 एंड 7। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।